कौन ले रहा है? अच्छा ठीक है। मैं तो हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ जहाँ तक क्रिकेट की बात है, क्योंकि वैसे भी जब मैचेस आते हैं तो मैं आई मेक श्योर कि आई डोंट मिस अ सिंगल मैच। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और जब मैंने पहले भी कहा कि ये जो कॉम्बो है, एंटरटेनमेंट, एक्टर्स भी हैं, क्रिकेट भी है, ये कॉम्बो सब देखना चाहते हैं। और बेसिकली क्या है कि इट्स लाइक अ डेली सोप, तो जब डेली सोप होता है तो वहाँ ड्रामा भी होता है, ड्रामा भी होगा, क्रिकेट भी होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा, वो एक्टर जिनको लोग देखना चाहते हैं। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो डेली नहीं दिख रहे हैं टीवी पे, ब्रेक ले लेते हैं या उनके शोज़ नहीं चल रहे हैं, सो जो ऑडियंस है वो उनको सब कुछ एक साथ देखने को मिल जाता है। सो इट्स अमेजिंग थिंग बेसिकली कि आपको सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिल रही हैं। आई एम नॉट प्लेइंग बट आई एम सपोर्टिंग एवरीवन। सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, किसी एक को सपोर्ट करूँगा तो मारेंगे आके, तो बेसिकली आई एम सपोर्टिंग एवरीवन। सब सारी टीम्स में मेरे फ्रेंड्स भरे हुए हैं, और क्या है कि सबको सपोर्ट करना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर मैं किसी एक को सपोर्ट करूँगा तो दूसरा मुझे जो है बोलने आ जाएगा, यार तू मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा। सो या इट्स गोना बी वेरी एक्साइटिंग। आई पी एल बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि शूट चल रहा होता है तो जब तक घर पहुँचते हैं मैच खत्म हो जाता है, बट हम रिपीट टेलीकास्ट वगैरह देखते हैं। बट जब मेजर सीरीज आती है लाइक वर्ल्ड कप आने वाला है, सो आई मेक श्योर कि आई वॉच ईच एंड एवरी मैच ऑफ दैट। एंड आई पी एल में अगर मैं टीम सपोर्ट कर रहा हूँ तो हैदराबाद सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो मेरी फेवरेट टीम है, बिकॉज वो एक ऐसी टीम है जो अंडरडॉग थी, बहुत नीचे थी, और जिस तरह फाइट बैक करके ऊपर आई है, सो आई लाइक द वे, बिकॉज जो फाइटर है, जो एक स्पिरिट है वो समवेयर देयर इन माय मी आल्सो, तो आई लाइक दैट स्पिरिट बेसिकली। देखा आपने? मैं आई एम सुपर एक्साइटेड। मैंने लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम खेला था मैंने, और मैंने बहुत मस्ती की थी, नए फ्रेंड्स बनाए थे और बहुत अच्छे गेम्स भी खेले थे। तो लास्ट ईयर मैं कोलकाता से खेल रही थी, इस बार मैं गोवा से खेल रही हूँ, और इस बार भी मैं बहुत नए नए फ्रेंड्स बनाने वाली हूँ और बहुत अच्छे अच्छे गेम्स खेलने वाली हूँ, और आई एम रियली एक्साइटेड। स्ट्रैटेजी आपको कैसे बताऊं मैं? कोई ऐसा स्ट्रैटेजी सबके अपने अपने शेयर किए हैं, हाँ। आपकी कोई स्ट्रैटेजी शेयर करना? स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, हम फ्लो में देखते हैं कैसे क्या खेलना है, हम सामने वाले कौन है उसके हिसाब से खेलेंगे, तो बस हाँ। सॉरी, हमारी टीम में बहुत कमाल के प्लेयर्स हैं, बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं, बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं, और इस बार टक्कर देने वाले हैं गोवा। ओके, थर्ड सीजन की बात करें तो गर्ल्स बहुत भारी पड़ी थी बॉयज पे, तो फोर्थ ईयर भी ये देखने मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, गर्ल्स भारी पड़ने वाली हैं। ओके, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो एकता मैम ने कहा कि इसमें ज़्यादातर हमने वुमेन्स को ही लिया है और वुमेन्स कहीं भी कम नहीं है, सो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक टीम में तीन लड़कियाँ खेल सकती हैं, लड़कियाँ कम क्यों ली हैं? क्योंकि एक लड़की 11 के बराबर है। साथ में कर लेते ना सारे। ओके मैम, फोर्थ सीजन है, थर्ड पहले के बहुत सीजन को अच्छा रिस्पांस मिला है, तो कितने एक्साइटेड हो फोर्थ सीजन? बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट, लॉट ऑफ क्रिकेट, लॉट ऑफ मस्ती, लॉट ऑफ फन। यार मैं तो बड़ा क्रिकेट फैन हूँ, तो आई एम तो वेरी एक्साइटेड। ओके मैम, कौन सी टीम से खेल रहे हो सर? आप कौन सी टीम से खेल रहे हो? अभी तक मेरा डिसाइड नहीं हुआ है, बट सून आई विल नो, मोस्टली चेन्नई। आई एम नॉट प्लेइंग ओनली। आई थिंक यू आर टू फॉलो करें।
बिल्कुल नहीं या मैं तो काफ़ी फॉलो कर रहा हूँ, हमारे दो दोस्त खेल भी रहे, एक बैंगलोर से खेल रहा है युजवेंद्र चहल एंड ऋषभ पंत फ्रॉम दिल्ली, सो वी आर फॉलोइंग इट प्रीटी वेल। ओके अजय, थर्ड सीजन में गर्ल्स बॉयज पे बहुत ही भारी पड़े थे, तो ये सीजन में क्या लगता है आपको? तो लाइफ है, लाइफ स्टोरी है, गर्ल्स हमेशा बॉयज पे भारी पड़ती हैं, नॉट ओनली इन BCL इवन इन रियल लाइफ, एंड डेफिनेटली BCL में तो 100% पड़ने वाली है। यार हमारी टीम जब थी चंडीगढ़ कप, तो उसमें हमारे मैक्सिमम लड़कियां ही थी, तो बरखा बीइंग द कैप्टन, तो हमने तो बाकी टीम्स की तो छुट्टी कर दी थी, तो हम लोगों को मालूम ही है, तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी ट्रिकी गेम, लड़कियां जब वो लोग गेम बॉल फेंकती है तो ऑब्वियसली इट बिकम्स डिफिकल्ट। ओके, थर्ड सीजन में टैग भी सुना था नॉटिंगी के टैग दिया गया था राखी सावंत, थर्ड सीजन था या सेकंड सीजन था? हां, वो सीजन में क्या लगता है किसे मिल सकता है आपके हिसाब से? उसी को, क्योंकि वो बहुत क्यूट है और वो बहुत क्यूटली नौटंकी करती है, सो आई थिंक शी टोटली डिजर्व्स द टाइटल। यार काफ़ी नौटंकी करने वाले हैं, बट आई थिंक शी डिजर्व्स द टाइटल हैंड्स डाउन। बस वेरी ब्लेस्ड विद ऑल द फैंस गिव शोइंग देयर लव एंड सपोर्ट, एंड हम एक्टर्स जो कुछ भी हैं फैंस की वजह से, सो थैंक यू फॉर ऑलवेज लविंग अस एंड शोइंग योर सपोर्ट। वो एक इनफैक्ट काफ़ी समय से मैं करण और ये लोग से मिली नहीं हूँ, तो आई एम एक्साइटेड। हाँ, तो सबसे मिलने को वे वेटिंग, क्योंकि हम ऐसे ही गैदरिंग पे मिलना होता है सबके साथ, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके अनिता, लास्ट में आपके दोनों के सॉन्ग्स को बहुत ही अप्रिशिएट किया था, आपकी केमिस्ट्री को, तो वापस कब देखने मिलेगा? जब भी मौका मिलेगा तो हम विल जंप इन टू द एक्शन, तो आप दो ऑफर तो हम आ जाएंगे आपके पास। यू नेवर नो, एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा था मैं कभी कैमरा के सामने नहीं आऊँगा, बट इवेंचुअली आ ही गया, बट यू नेवर नो, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। थैंक यू। No, very excited because I think Balaji, Ekta Kapoor is one of the first person to start the BCL cricket league, and the Delhi's and the Lucknow Nawabs and all that, they really created a lot of havoc, and I feel even this time there will be a lot of excitement for this fourth season because it has created a good reputation to date. I'm not playing, but my son is a cricketer, and so he's Bobby Winch, and so we both are supporting cricket definitely, because like right now IPL also is going on, and it's in the season, it's in the air, the cricket is in air. Right now it's very difficult because all are playing little mixed, but I think my son is supporting Rajasthan. No, Rajasthan is not Mumbai. Good. Chennai is playing well as of now. Delhi is also decent. Let's see how it shapes up from there. Yesterday Punjab won. Actually, all teams are almost equally good at this stage. It's too early to predict who will be the winner. So maybe in 2-3 matches we have a better idea who's actually going to win or be in the top 4. Yeah. Even Kolkata is playing well. So everyone is playing well. Okay. Thank you. इधर आना भाई। चलो यार जिम में था, BCL स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है यार, इट्स फॉर स्पोर्टी पीपल, सो क्या बोलता है डार्लिंग? अभी मैन ऑल गुड, गुड टू सी यू यार। BCL ऑलवेज रॉक्स, अच्छी जगह है, फैमिली जैसा हो जाता है, लोग मिलते हैं एक दूसरे से, थोड़ी लड़ाई भी होती है, प्यार भी होता है, इंटरटेनमेंट होता है, इट्स अ नाइस थिंग्स, अच्छी चीज़ है, थोड़ी हेल्थ भी बनी रहती है, लड़कियां भी क्रिकेट खेलती है। मैं किसी टीम से नहीं खेल रहा हूँ भाई, आई एम हेयर टू चीयर देम अप, लाइफ में थोड़ा बिजी हूँ, अभी एक्टर है यार, थोड़ा काम। यार तेरे सवाल कसम खुदा की, ऐसे जब माता जी का दिल चाहेगा तब हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर हर, यू नो शी इज स्वीट हार्ट, यू नो, तो ऑलवेज। बहुत अच्छा लग रहा है यार, एंड भाई की और डायरेक्टर की जोड़ी बहुत अच्छी है, और दे आर गिविंग गुड वर्क, सो आई एम वेटिंग फॉर भारत, कुछ अलग होगा।
नहीं मेरे को कोई नाराजगी नहीं है उनसे यार, इज अ नाइस गाय का टेका लिया गया सबको प्रमोट करने का उन्होंने यार। कुछ नहीं बचो यार, एक्टिंग करो, कहाँ पॉलिटिशियन बन रहे यार। सोशल वर्कर अच्छे होते, नेता बन के आदमी सोशल वर्क छोड़ देता फिर। थैंक यू। जी फोर्थ सीजन है, हमारी टीम है आजमगढ़ रॉयल्स जो कि डेब्यू कर रही है, मैं कैप्टन हूँ इस टीम का, मेरा नाम आलोक नरूला है और बीसीएल सीजन वन से मैं जुड़ा हुआ हूँ बीसीएल के साथ। तो हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं आजमगढ़ रॉयल्स में, हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स चुने हैं और हम करने में विश्वास रखते हैं, हम करके दिखाएंगे, बोलने में ज़्यादा विश्वास रखते नहीं हैं। स्ट्रैटेजी यही है कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं सब यंग हैं, दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। स्ट्रैटेजी यही है कि जितनी भी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं उन्हें दिमाग से हराया जाए, बल्कि जज्बा इतना है हमारे में, जोश इतना है, कैपेबिलिटी है, हम उन्हें हरा सकते हैं। तो वो उसको ट्रैक पे लाके सही उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो हमारी जिम्मेदारी, वो हम करके दिखाएंगे। की प्लेयर हमारी टीम से शिखा सिंह जो कि फीमेल प्लेयर बहुत अच्छी है, पारस बब्बर, प्रताप हाड़ा, फिर उसके बाद अभिषेक कपूर, नेशनल लेवल के जो प्लेयर्स हैं वो खेले हुए हैं और बाकी ऐसे ही बहुत सारे प्लेयर्स हैं कि ऑलराउंडर्स हैं, जैसे बॉलिंग भी कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं। So all in all we have a very balanced team. एक्चुअली पिछले सीजन में मैंने चौके छक्के कुछ ज़्यादा मार दिए थे ना, इसलिए ज़्यादा लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। बट एनी वे हम जो लास्ट सीजन मेरा फर्स्ट सीजन था, मतलब मेरे लिए, एंड आई एम प्लेइंग फॉर द सेकेंड टाइम, सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड। कोलकाता बाबू मोशाय, सो आई एम बंगाली, सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड। इस साल चौके छक्के अच्छे मारने हैं बस, और बोलिंग अच्छे से करनी है, वो प्रैक्टिस कर ली है मैंने। ऐसे कैसे बता रही है, तो आपको देखना पड़ेगा ना। बट यस ऑब्वियसली मुझे क्रिकेट इतने अच्छे से खेलना आता नहीं है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओ माई गॉड, डोंट आस्क। मैं अभी सीधा शूट से यहाँ पे आ रही हूँ एंड ट्रस्ट मी, 9 to 9 शिफ्ट थी, सो 9:30 हमारा पैकअप हुआ एंड देन आई गॉट रेडी एंड देन आई एम हियर एंड कल सुबह मुझे फिर से शूट है, अर्ली मॉर्निंग शूट है, सो इट्स हेक्टिक बट आई एम लविंग इट। थैंक यू। नेटफ्लिक्स पे आने वाली हमारी सीरीज रोज़मेरी। हाँ और कम, हाँ आ जाओ। मैम फोर्थ सीजन के लिए कितना एक्साइटेड? थर्ड सीजन में तो आपने धमाल मचा दी थी और बहुत ही लोगों ने पसंद किया था आपको, फोर्थ सीजन के लिए कितना एक्साइटेड? मैं तो फर्स्ट सीजन से हूँ और बहुत ही मज़ा आता है कि सेलिब्रिटीज़ इतना डे नाइट शूटिंग करते हैं और जब हम क्रिकेट का खेलते हैं तो एक माइंड डाइवर्ट होता है एंड समथिंग न्यू वी आर डूइंग। और अभी तो सीज़न 4 है और समथिंग मोर है, तो मोर राखी सावंत क्या करने वाली है आपको बहुत जल्दी पता चलने वाला है। क्या मैं बता दूँ कि फर्स्ट
टाइम टेलीविजन पे BCL में मैं राखी सावंत एम्पायर बन के आ रही हूँ. आई एम अ फोर्थ एम्पायर, लेडी एम्पायर. और आप सोच सकते क्या क्या धमाल होने वाला है. एंड आप सोच सकते कि मैं देखकर किसने गलती की है, क्या किया है. मैं ग्रीन कार्ड बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ जब तक सेलिब्रिटीज़ जो क्रिकेटर्स हैं मेल फीमेल टास्क नहीं मानेंगे मेरा. और जो मैं कहूँगी मैं उनके बजाऊँगी, और जो मैं बोलूँगी वो उनको करना पड़ेगा टास्क. okay, तभी मैं उनको ग्रीन कार्ड दूँगी. थर्ड सीजन में हमने देखा था कि एक नौटंकी का टैग था, वो आपको दिया गया था. आई एम बॉर्न नौटंकी मैन. अभी भी हमने सबसे पूछा था आपको ही टैग देने के लिए सोचा गया है, सो क्या कहना चाहेंगे? या आई एम कॉन्ट्रोवर्शियल. मैं नहीं, फर्स्ट आई वांट टू से आई एम एंटरटेनमेंट और मैं एंटरटेनमेंट हूँ. तो नौटंकी ड्रामेबाज, ड्रामा क्वीन, यू कैन से एनीथिंग, यू नो. या या टू मी एंड आई डोंट माइंड दैट. बॉस गर्ल्स आर प्लेइंग रियली नाइस. चौके छक्के लगा रही है. एंड मैन ऑफ द वुमेन, मैन ऑफ द मैच, क्या कहूँ, मैन ऑफ द वुमेन बन रही है. एंड दे आर प्लेइंग सो गुड. आई कैन इमेजिन कि जितना अच्छा एक्टिंग डांस कर लेती है गर्ल्स आर प्लेइंग सो गुड, यू नो. एंड इस बार तो मेरा तो ऐसा तड़का लगने वाला है. राखी का जब तक तड़का नहीं लगता मज़ा नहीं आता. तो थैंक्स टू एकता कपूर एंड BCL MTV के इस बार मुझे एम्पायर बनाया है. सो हॉट एंड सेक्सी एम्पायर. ऊ लाला. देखिए मुझे नहीं लगता किसी भी सेलिब्रिटीज़ को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, बिकॉज वो हमारा काम ही नहीं है. हम नेता है, हम अभिनेता नहीं बन सकते. आई हैव ट्राइड इन माई लाइफ बट आई वॉज फेल. एंड आई मैं बॉलीवुड की रानी बनना चाहूँगी, ना कि पॉलिटिक्स की नौकरानी. वो नमस्ते 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 मैं नहीं कर सकती, कमर दुख जाती, मुझसे नहीं होता. आई कैन डांस, आई कैन डू लॉट ऑफ स्टफ इन बॉलीवुड, बट आई कांट बी पॉलिटिशियन इन माई लाइफ, डेफिनेटली नॉट. थैंक यू. बहुत एक्साइटेड है. तो तीन सीजन में ऑलरेडी खेल चुका हूँ BCL के, और लास्ट सीजन मैंने अनफॉर्चुनेटली मिस कर दिया था. बट वी आर वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड. उसके पहले वाले सीजन में शीना भी साथ में थी, और दिस टाइम आई थिंक विनिंग द कप बैंगलोर वॉरियर्स ऑल द वे. I'm very excited. I'm here to support him and very very happy. And last season maine khela, but this time I'm not playing, I'm just supporting my husband. फुल शॉट शुरू किया. चलो रेडी विकास का लेने के लिए चलता है. वेयर इज द न्यू कास्ट? है ना, आओ. नहीं बच्चों के साथ करो, आओ आओ. वेयर इज योर अदर, व्हाट इज द गर्ल, दूसरी वाली कहाँ है? दूसरी वाली मेगा ले आई. मेगा Our future generation stars, come. Hi. Good, 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 good. So, order karo. तभी तो आप देख रहे हो, 1 2 3 4. Oh.
मैं बस एक्साइटेड हूँ छुट्टी के लिए. शूटिंग वूटिंग कम होगी, मस्तियाँ ज़्यादा होने वाली हैं, एक्साइटमेंट ज़्यादा होगा. इन बेचारों की तो जान निकल गई है शूटिंग करते करते. पंद्रह घंटे ऐसे मत बोलो, 12 घंटे ही शूट करते. झूठ बोलो, झूठ. हाँ तो बट पर क्या होगा ना, वॉट द फन पार्ट इज गोइंग टू बी दैट दे विल ऑल्सो सी समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट. इतनी मेहनत करने के बाद अब क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट में ड्रामा करेंगे, बहुत मज़ा आएगा. मैं तो खेलूंगा ही नहीं, मैं तो खिलाता हूँ गेम्स यार. क्या बात कर रहे तू भी? He's a mastermind. He don't play games. ये तो कितना हल्के में लेता है ये रूम. अच्छा कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? पहले मैं इनसे पूछूंगा ये लोग कौन सी टीम से खेल रहे हैं. Delhi Dragons, Chennai, Kolkata. अरे बाबू मुशाइस, very good. मेरी बहन की टीम है वो. निवेदिता बासु. आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो यार BCL को सपोर्ट कर रहा हूँ. BCL. ओके सर, जैसे कि आपने कहा 12-12 घंटे काम हो रहे हैं और फिर क्रिकेट खेलना, एक कितना स्ट्रेस बस्टर हो गया है. मैं बताऊँ तुमको एक बात, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाओ 2400 घंटे, लेकिन जब तुम्हें टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा तो स्ट्रेस बस्टर ही होता है हमेशा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्रिकेट इज दैट टू अस. दिस एंड इवन द बॉल्स आर लाइक दैट, स्ट्रेस बस्टर. या क्या तुम स्कैंडलाइज हो गए? तुम तो बात ही नहीं कुछ पूछ रहे हो. ये तुम दोनों जानते हो स्प्लिट्सविला विनर है. ये रोडीज होके आया अभी एमटीवी के बच्चे. यस आई एम गोइंग टू बी टेलिंग पीपल हाउ टू लूज वेट. अरे और तूने लूज किया है वेट थोड़ा सा? वेरी गुड, वेरी गुड जॉब. नाम तो बताओ वापस अपना सबको. बताओ नाम, बताओ कौन से न्यूज चैनल से हो, बताओ. बताओ मैं क्या तुम्हें फोन करके बताया उन्होंने? तुम्हें जानकारी बहुत मिलती है, गलत जानकारी है. नहीं आ रहे, अच्छा है नहीं आ रहे, कोई और आ जाएंगे. इतने कौन अरे भाई खत्म हो गया पंचबीट. वो पंचबीट के किस्से थे. पंचबीट तो 2 और 3 आएगा नहीं आएगा वो तब का तब देखेंगे. वो ऑल्ट को बनाना है. मैं उसके अलावा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ. बड़ी मछली कर रहा हूँ, ये कुमकुम कर रहा है, ये भी कुमकुम कर रही है. चेतना एक और वेब सीरीज़ कर रही है और इसने BCL इसलिए नहीं खेला, उसके बाद म्यूजिक वीडियो आ गया. जैसे का मेरा बड़ा मछली लिख रही है. सो यू सी देयर सो मच टू डू, व्हाट टू थिंक. यार ये बच्चों से बात नहीं करोगे तुम हैं? न्यू टैलेंट ये मेरे साथ की है. इसने दो दो लीड और एक फिल्म कर रखी है दिलवाले में. रोहित शेट्टी ने लॉन्च किया उसे. पर न्यूज किसने बनाया इसको रिपोर्ट? ये दोनों मुझे, इन दोनों से बात करो. ये नए हैं, ये है कृष्णा कॉल और ये है हमारी नैना. ये स्प्लिट्सविला जीती थी, ये हमारे पंचबीट में लॉन्च हुए थे, अभी रोडीज करके आए हैं और दोनों के दोनों कुमकुम भाग्य में लीड कर रहे हैं. एंड दे गोइंग टू अ रॉकिंगली सुपर्ब जॉब. थैंक यू. अब बोलो उनको, बताओ इंशाल्लाह. इंशाल्लाह बताएं अपने बारे में. So what do you guys want to know? I mean, I don't know what to say. What do you guys want to know? Hey, iski nothing. Listen, uske followers bahut zyada badh rahe hain. Samajh le tu. Abhi to le raha hai news, to fir uspe hits aayenge. Itna mat kar tu aise hain. Bol. Krishna call. Apne baare mein batao. Kahan se ho tum? I'm very happy to be here. Amazing party. Ekta ma'am is very nice. And thanks for launching us. Main to wo kahan se? Main hu waise Kashmir se. But Delhi wala hai. Jhoot bol raha hai. Theek hai. Seekhte hain. Swag aata hai Kashmir bolne mein. But I really wish all of them all the best because you know it's a new journey. They're working very hard. We've launched so many shows, so many leaps, and no, every single time जब कुछ नया होता है बहुत energy लगती है. जैसे कि BCL में हो रहा है, it's season 4. Every time you come with something, you have to put energies which will completely blast off. Yeah. So let's hope that this year also on MTV it will be a good vibe thing. Absolutely. इतनी मेहनत से कपड़े देखो, रेड रेड कॉम्बिनेशन, ग्रीन. लुक एट दिस. लुक नहीं देख रहे हो तुम, इतनी मेहनत करते हैं स्टाइलिस्ट हमारे. ओके थैंक यू. नमस्ते. वाला
along with you, sir. देखिए सर, शशांक is with you. चार, चार, चार जो नंबर है, जो अंक है ना, वो चौका होता है. तो मुझे लगता है कि इस बार बहुत चौके छक्के लगने चाहिए और आगे पहले जो सीजन्स रहे उनसे ऑफ कोर्स दो कदम और आगे रहेगा तो छक्का भी लग जाएगा. क्रिकेट मुझे बहुत शौक है, मैं स्टेट खेला हुआ, क्रिकेट देखने का माना चाहिए. लेकिन बोलिए. क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं लेकिन बीसीएल नहीं खेलते हैं. क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता है. एक्चुअली मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, जम जाता हूँ, फिर 10 घंटे काम करता हूँ, वापस आता हूँ, सोता हूँ, फिर वो इतना. और रूप इज वेरी हेक्टिक, वेरी बिजी शो. यार खेलने का तो अभी तक कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं है, बट सपोर्ट करेंगे चेन्नई को. कुछ एक खास दोस्त हैं, खिलाड़ी नहीं, हम लोग क्रिकेट प्रेमी हैं बस. वो मैं डैडी आईपीएल देख रहे हैं, मैं देख रही हूँ, आपको सच बता रहा हूँ. मेरा 13-14 घंटे घर से बाहर निकल रहे हैं, मैं रात को 11 बजे घर पहुँचता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता. आप शौकीन हैं, आप बताइए. नहीं नहीं यार, क्रिकेट का कुछ खास शौक नहीं. अरे क्या बात कर रहे हैं, बीसीएल फिर भी ये है कि अपने अच्छा वो जानने वाले मिल जाते हैं तो अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं तो खेलता नहीं हूँ, मैं तो एंकर. ये खिलाते हैं, ये सबकी बेइज्जती करते हैं. किसी भी टीम से नहीं हूँ. ये सबकी बेइज्जती करके बस लोगों को उकसाते हैं आपस में लड़ाने के लिए. और इनका और कुछ काम नहीं है. मुझे पैसे इसी बात के मिलते हैं कि मैं इन सब लोगों को आपस में भड़वाऊँ. तो मैं किसी टीम से नहीं हूँ, मैं सब टीम से हूँ और मैं किसी भी टीम से नहीं हूँ. और इस बार मैं चेन्नई से खेल रहा हूँ. अनफॉर्चुनेटली चंडीगढ़ कब्स इस बार है नहीं, तो इस बार चेन्नई के साथ खेल रहे हैं एंड होपिंग दैट इस बार हम लोग जीते. आई थिंक दिल्ली एक अच्छी टीम शुरू से रही है और उनके प्लेयर्स भी अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि दिल्ली विल गिव अ गुड कॉम्पिटिशन. और नई टीम आई है आजमगढ़, तो उनका भी है, सुना है कि अच्छी खासी टीम है, बट चेन्नई शुड विन. स्ट्रैटेजी बस कुछ नहीं, अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, खेलेंगे शौक से और मज़े से करेंगे. वहाँ पे थोड़ा काम रहेंगे, अगर इन्होंने काम रहने दिया हमें तो कोशिश करेंगे कि अपना संतुलन बना के अच्छे से हम लोग परफॉर्म करें और जीते. थैंक यू. I'm very excited because this is going to be the first time that I'm also a part of BCL and I'm really looking forward to it. Delhi. I'm in Delhi's team and I'm really excited. He's from Bangalore. Yeah. देखिए स्ट्रैटेजी तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके थ्रू बहुत सारे लोगों तक स्ट्रैटेजी पहुंच जाएगी. मैं बस ये कहना चाहूंगा कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. देखिए यू गाइस विल हैव अ लॉट ऑफ फन. बहुत मज़ा आने वाला है. थैंक यू.
me the rating you got last year from in MTV actually made us want to do the show again. In fact, we rated for... Rolling! Really? Alright. So, now, this is hashtag 4 is more MTV BCL 4. So, what's more this time? Chalo, rolling. Rolling? Yeah, roll. Are you ready? Yeah, roll. Yeah, chalo. So, what's more this time? Ye sare ke sare khel. Sabse pehle aap se jana chahte hain to jana. What more this time? I think it's more fun, more excitement, more players. And more drama because Anjum Faki is also there. More strategy? Strategy, yeah, of course. Better strategy, I don't know, more cricket. Rounds and noggin system. Yeah, right. I'm super excited. I just want to kill everybody. And I'm just going to get the trophy. Seriously. That's a good strategy. More VFX. So, which team are you? Last season? Last always! Always, yeah, Vikas, come on! Next out, yeah. Karan, आपके चर्चे सबसे ज़्यादा रहते हैं, आपके success के और आपके बातों की वहाँ पर सबसे ज़्यादा कि आप किसी से उलझ ना जाएं लोगों से किसी से लेकर मैंने तो एक किसी से नहीं किया तो किसी से लेकर last time मेरा मोबाइल आ रहा है यार आपका बहुत जोर करने की जरूरत है मैं यहाँ पे मैं खड़ा था भाई तुम बीच में है यहाँ पे मैं यहाँ पे खड़ा था भाई मेरे जगह में है नीचे कर लेगा भाई तो आएगा तेरा भी Obviously, some of the key but I what good reason why you think Japanese are star bane hamare hamare logo ko dekha unne to dekha aap sunne ke liye bahut bol dekha rajna kapoor aap sunne bahut bol dekha kulani ka thoda pichha jo bhi kapoor aayega bhai sab khayega good aap bhi last year ladkiyon ne sara game badal diya इस बार भी गर्ल पावर देखने को मिलेगा दिल मांगे मयूर आपका स्कोर बेस्ट हो रहा है टॉप के 3 मैचेस में आपको क्या लगता है व्हाट वुड बी योर एवरेज रेट ऑफ विकेट टेकिंग बातों की उंगली लाएंगे या ले लोगी पार 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 होगी इस बार एमटीवी बीसीएल बोल रहे थैंक यू सो मच डियर पीटर फॉर ज्वाइनिंग अस थैंक यू सो मच यार थैंक यू सो मच एवरीवन See you in the page on the ground. Last. Everyone ready? Last. Let the boys say PCL. PCL? Okay.
और क्यों? BCL! Okay, thank you. Picture.